कोरोना वायरस ने कराची पुलिस पर वार तेज कर दिए हैं। आज सिंध की सरकारी रिहायशगाह पर ताजनात 23 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के 79 और शाहराह नूरजहां थाने के SHO समेत 21 पुलिस एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पुलिस ज़रा के मुताबिक कराची के इलाके बाथ आइलैंड में वाकई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सरकारी रिहायशगाह पर मुख्तलिफ ड्यूटीज पर ताजुनात लगभग 23 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आए हैं। इन पुलिस एहलकारों में पुलिस सरबरा के गनमैन, गार्ड्स, ड्राइवर और दीगर शामिल हैं। ज़रा के मुताबिक इन तमाम पुलिस मुलाजमीन को आइसोलेट करके उनकी जगह पर कोरोना वायरस से पाक नफरी ताजुनात कर दी गई है, जबकि रिहायशगाह पर जरासीम कुश स्प्रे भी किया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक कराची के जिला सेंट्रल के शाहराह नूरजहां थाने के SHO समेत 21 पुलिस अफसरान और एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के प्रिंसिपल शौकत अली खटियान ने बताया है कि सिंध पुलिस के 400 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों की नफरी PTC सईदाबाद में मुख्तलिफ कोर्सेज पर है, जो कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों छुट्टियों पर है। शौकत अली खटियान ने मजीद कहा है कि सेंटर में इंतजामी ड्यूटी पर तैनात 2 DSPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स समेत 79 पुलिस मुलाजमीन के कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आए हैं। इन मुलाजमीन को आइसोलेट कर दिया गया है। वाज़ह रहे कि सिंध पुलिस के 758 पुलिस अफसरान और एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 194 और 8 पुलिस मुलाजमीन इंतकाल कर चुके हैं।